एनसीआर में पुलिसकर्मी बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश के एक साथी को एक दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उपचार के लिए बदमाश को उपचार केंद्र में भर्ती कराया है। पकड़े गए बदमाश के पास से एक पुलिस का फर्जी आईडी कार्ड, 7500 रुपये, एक तमंचा और मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। फेज वन में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग में गिरफ्तार हुआ है। यह घटनाक्रम इस प्रकार है कि दिनांक 1 दिसंबर को दो व्यक्तियों द्वारा एक कुरियर बॉय से गाड़ी पर बैठा के, अपनी कार पर बैठा के लूट की गई थी। ATM से ले जाके उससे 34,000 रुपये निकलवा लिए गए थे। उसके साथ मारपीट की गई थी, उसे तमंचा भी दिखाया गया था। उस व्यक्ति द्वारा यह बताया गया कि जो लोग उसको बैठा के ले गए तो अपने को पुलिस का बता रहे थे और पुलिस का आई कार्ड भी उनके द्वारा दिखाया गया था।